हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन मसाला पाउडर। तो इसके लिए हमें चाहिए 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 2 टीस्पून खसखस, काली मिर्च 2 टीस्पून, 10 से 12 लौंग, 2 टीस्पून सौंफ, 2 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 4 टीस्पून धनिया, 25 ग्राम काजू, 3 तेज पत्ता, लाल मिर्च 7 से 8, दालचीनी, जावित्री, बड़ी इलायची 2, पत्थर फूल, जायफल, छोटी इलायची 7 से 8। अब हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, मीडियम फ्लेम पे भूनना है धनिया, काजू, जीरा, काली मिर्च, लौंग, सौंफ, खसखस, मेथी दाना, तेजपत्ता, लाल मिर्च, पत्थर फूल, दालचीनी, जायफल, जावित्री, बड़ी इलायची, छोटी इलायची। अब हम इसे 2 मिनट तक भून लेंगे। कलर चेंज हो गया है, भून के तैयार है मसाला। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। ठंडा हो गया है अभी। अब हम मिक्सी में डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर, नमक। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखो कलर अच्छा आया है। इसे अब प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसे एयर टाइट डिब्बे में 6 महीने तक रख सकते हो। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।